शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित की ही अनुमति रहेगी। आदेश में राज्य सरकार ने कहा है श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग ही भाग ले सकेंगे। इन सब वाहनों में यात्रियों की जो संख्या होगी वो सीटों की संख्या से आधी होगी। बिहार में पटना अकेला शहर है जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर है। कल 25 नवंबर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रसार रोकने के लिए नए निर्देश निर्गत किए हैं। राज्यों को नए निर्देश दिए गए हैं। वो निर्देश अब तक सबकी जानकारी में आ चुके हैं। उसमें राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि स्थिति को देखते हुए कुछ अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठकर कोविड की स्थिति का जायज़ा लेते हैं और कोविड के आलोक में जो उपाय करने हैं उस पर निर्णय होता है। समुचित विचार विमर्श और निर्णय के बाद कुछ अतिरिक्त पाबंदियां, कुछ अतिरिक्त शर्तें, कुछ अतिरिक्त आदेश बिहार के लिए निर्गत किए गए हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जो भारत सरकार के आदेश में जो बातें हैं वो बिहार सरकार में लागू होंगी। उसके अलावा शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित की ही अनुमति रहेगी। स्टाफ का मतलब है कि स्थल पर जो खाना खिलाने वाले वेटर वगैरह हैं और शादी के जो लोग मेहमान हैं, घर वाले हैं, 100 की लिमिट रहेगी। ये जो लिमिट है, ये सारी शर्तें जो मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार में, बिहार राज्य भर में, वो 3 दिसंबर तक, आज से 3 दिसंबर तक के लिए लागू की गई हैं। भारत सरकार का जो आदेश आया है वो 31 दिसंबर तक है। अतिरिक्त शर्तें राज्य सरकार की 3 दिसंबर तक लागू रहेंगी, फिर उसके बाद समीक्षा करके निर्णय होगा। शादी में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित रहेंगे। शादी के कार्यक्रम में लोग फेस कवर या मास्क का उपयोग करेंगे। हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था रहेगी। थर्मल स्क्रीनिंग रहेगा। विवाह स्थल पर जो स्पर्श करने वाली सतह, दरवाजे का हैंडल, कुर्सी टेबल, नल, रेलिंग वगैरह, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जिन लोगों को कोविड के सिम्टम हैं उनको विवाह के कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं होगी। सड़क पर बैंड बाजा के साथ बारात का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। सड़क पर जुलूस की शक्ल में नाचते गाते हुए डीजे, बैंड बाजा, लाउडस्पीकर के साथ नहीं जा सकेंगे। विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी, लेकिन सड़क पर बारात के जुलूस में नहीं होगी। ये शर्तें वैवाहिक कार्यक्रम के लिए लगाई गई हैं। श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम 25 लोगों की उपस्थिति की शर्त लगाई गई है। आदेश में राज्य सरकार ने कहा है श्राद्ध में अधिकतम 25 लोग ही भाग ले सकेंगे। उसके अलावा एक विशेष अवसर है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान का कार्यक्रम। इसके बारे में निर्देश है कि जो जिला प्रशासन है वो नागरिकों के साथ, नागरिक संगठन, वार्ड पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि आदि के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और कोविड के संक्रमण से बचने के लिए जो दिशा निर्देश है उसके बारे में लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भीड़ भाड़ की जगह या स्नान करते समय पानी में या हवा में संक्रमण फैलने का खतरा है, इसलिए लोगों को प्रेरित किया जाए, लोगों को समझाया जाए
लोगों को समझाया जाए, बताया जाए, एजुकेट किया जाए कि नदी घाट पर स्नान करके, भीड़ भाड़ करके स्नान करने से संक्रमण का खतरा है। लोग इस बारे में सावधान और सतर्क रहें, इस बात की जानकारी रहे कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर स्नान के मौके पर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से बीमारी फैल सकती है। यह समाज को इसकी जानकारी दी जाए, अधिकारीगण जिला प्रशासन देगा। साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा के स्थान पर स्नान के दिन बहुत से लोग बसों में, भीड़ भाड़ वाली बसों में बैठ करके जाते हैं स्नान करने, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए, बताया जाए कि इसमें बीमारी फैल सकती है बसों के द्वारा, भीड़ भाड़ वाली बसों की यात्रा में जो खतरे हैं लोगों को बताया जाए। और उसी तरह से कार्तिक पूर्णिमा स्नान में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग घर में रहें, अन्य कुछ लोगों को भी परामर्श दिया जाए कि वो घर में रहें। जिन लोगों को घर में रहने का परामर्श दिया जाएगा उसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति घर में ही रहें। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर ये भी सलाह दी जाएगी। तो ये सब जो थी बातें, ये कार्तिक पूर्णिमा के बारे में थी। और अंतिम निर्णय जो हुआ है वो ये हुआ है, वो कार्यालयों के बारे में है, ऑफिसेज के बारे में, कि जहाँ जहाँ कोविड की केस पॉजिटिविटी रिपोर्ट 10% से अधिक है, इसमें पटना है, और उसके अलावा जो ज़िले हैं जहाँ केस पॉजिटिविटी रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ गई है, उन ज़िलों का नाम है बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण। इनमें एक सप्ताह में, पिछले एक सप्ताह में केस पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है। इन सारे ज़िलों में जिनका मैंने अभी नाम लिया, एसेंशियल सर्विस वाले कार्यालय चलेंगे फुल स्ट्रेंथ पर, सब लोग आएंगे, और बाकी जो सरकारी कार्यालय हैं जो आवश्यक सेवाएं नहीं देते हैं और जो निजी कार्यालय हैं उसमें जो कर्मी हैं वो किसी एक दिन 50% ही आएंगे, प्रत्येक दिन 50% व्यक्ति ही आएंगे इन ज़िलों में, क्योंकि यहाँ केस पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। और उसी तरह से पटना ज़िले के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही, बसें चल रही हैं, सार्वजनिक यात्री वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पटना ज़िले के सीमा के अंदर चल रहा है या पटना से अन्य ज़िले या अन्य राज्य में जा रहा है, पटना से अन्य ज़िले या अन्य राज्य में जाने वाले वाहन, इन सब वाहनों में यात्रियों की जो संख्या होगी वो सीटों की संख्या से आधी होगी, जितनी सीटें हैं उससे आधी ही संख्या में ऐसी गाड़ियों में पैसेंजर बैठाए जाएंगे जो गाड़ियां पटना ज़िले के अंदर चल रही हैं या पटना से अन्य राज्यों या अन्य ज़िलों में जा रही हैं। तो ये सारे दिशा निर्देश जो हैं वो 3 दिसंबर तक राज्य में लागू रहेंगे, और भारत सरकार के दिशा निर्देश जनरल जो हैं इसके अलावा वो अभी से लेकर के 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। तो ये नया निर्णय है जिसकी जानकारी मैं मीडिया के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को पहुंचाना चाहूँगा, और उनसे अपील करूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, कोविड से बचने के सारे सुरक्षात्मक उपाय करें और समाज को इस बीमारी से बचाएं। धन्यवाद। अगर एक सप्ताह में वैसे शहर सिटीज जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक है तो उन शहरों में सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस को रेगुलेट करना चाहिए, स्टैगर्ड अप्रोच होना चाहिए। उसी क्रम में बिहार में पटना अकेला शहर है जहां पर कोविड पॉजिटिविटी रेट कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर है, इसलिए पटना में जैसा कि अभी आपको बताया गया है ये सभी सरकारी कार्यालय और प्राइवेट में जो की उपस्थिति 50% तक होगी, स्टैगर्ड अप्रोच। लेकिन इसके अलावा एक जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हम लोग केस पॉजिटिविटी रेट
नोटिस कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन में थोड़ा बढ़ रहा है, नॉट एट अ नॉर्मल स्पीड, तो उसके आलोक में एज अ एडिक्वेट प्रिकॉशन यह व्यवस्था जो सरकारी कार्यालय और प्राइवेट वाली है ये हम लोग उसमें भी एक्सटेंड कर रहे हैं, बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिला, इन जिलों में जो वृद्धि हुई है इट इज़ नॉट 10% और मोर, बट जो उनका नॉर्मल ट्रेंड है उससे थोड़ा हम लोग देख रहे हैं अधिक चल रहा है। तो ये व्यवस्था सरकारी कार्यालय 50% प्राइवेट ऑफिसेस को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है जैसा कि सर ने अभी कहा है, फिर एक सप्ताह के बाद समीक्षा होगी। ये ऑन एन एवरेज हम लोग की कोशिश है, आज ही नहीं हमेशा से 1 लाख के ऊपर का टेस्ट कंसिस्टेंटली हम लोग कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में जो स्थिति है उसको देखकर अग्रेसिव टेस्टिंग हम लोग करा रहे हैं। थैंक यू।